नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार के छपरा के मुबारकपुर में 3 युवकों को जमकर पीटा गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। और इस मामले के बाद छपरा में काफ़ी बवाल बढ़ गया, जिसको देखते हुए एकमा और माझी प्रखंड में धारा 144 लागू है। इसके अलावा छपरा में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है। और इस मामले को लेकर जो सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट कर रहे थे या उन्माद फैला रहे थे, उनके खिलाफ भी छपरा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले अब तक 13 लोगों को छपरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं एक गिरफ्तारी कल देर रात को की गई है। नगर थाना कांड संख्या 108/23 मामले में अभियुक्त जो चंद्रभान सिंह उर्फ सिंटू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह इसियापुर के टेढ़ा गांव का रहने वाला था, जिसे छपरा पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि वहीं मुबारकपुर मामले को लेकर एसआईटी टीम का गठन किया गया है और एसआईटी आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। और अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुख्य आरोपी अजय यादव अभी भी पुलिस के चंगुल से फरार चल रहा है और उसको पकड़ने के लिए एसआईटी की टीम लगातार अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि मुबारकपुर में 2 फरवरी को घटना घटी। 3 युवकों को मुखियापति और उसके समर्थकों के द्वारा जमकर पिटाई की गई, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 2 युवक की हालत जो है गंभीर है और पटना के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन इस मामले के बाद जो है 2 वर्ग जो है 2 जाति हैं वो आपस में भिड़ गए। और जो है जिसके बाद बवाल को कम करने के लिए लगातार बिहार पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिहार पुलिस के तरफ से मुबारकपुर गांव में 2000 की अधिक संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा छपरा के एसपी डीएम खुद इस इलाके में मार्च कर रहे हैं और पेट्रोलिंग हो रही है। इसके अलावा मुबारकपुर गांव में बाहरी लोगों की आने पर मनाही कर दी गई है। किसी बाहरी लोगों को गांव में आने नहीं दिया जा रहा है। और सोशल मीडिया पर भी बिहार पुलिस जो है निगाह बनाकर रखी हुई है कि इस मामले को लेकर कोई जातीय उन्माद ना फैलाए, कोई गलत और भ्रामक जानकारी ना शेयर करे। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ बिहार पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। और इस मामले में जो है सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मामले में 50 से अधिक लोगों के ऊपर प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगातार धीरे धीरे करके इन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ मुबारकपुर मामले का जो मुख्य आरोपी है मुखियापति अजय यादव, उसको पकड़ने के लिए भी एसआईटी की जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। हालांकि छपरा के एसपी ने दावा किया है कि अजय यादव को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। जितने भी आरोपी हैं उन्हें पुलिस पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत कर ले। खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। धन्यवाद।